हेलो फ्रेंड, मेरा नाम इरफान और आप देख रहे हैं मेडी प्लस यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम बात करेंगे रेवलॉल एक्सएल 25 mg टैबलेट के बारे में। दोस्तों, आज हम इसके बारे में पूरी जानकारी लेंगे, इसका कैसे यूज़ करना है, कौन कौन इसका यूज़ कर सकता है, किस कंडीशन में इसका यूज़ किया जाता है और कौन कौन इसका यूज़ नहीं कर सकता, क्या इसके साइड इफेक्ट हैं, क्या इसके डोजेज हैं, कितने की ये टैबलेट आती है, किस कंपनी की बनाई हुई है। मैं ये सारी जानकारी अभी आपको आगे इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो दोस्तों, आप हमारे वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। अगर आप हमारे चैनल मेडी प्लस पर पहली बार हूँ तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ में बेल आइकन का बटन दबाना भी ना भूलें, जिससे कि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ सबसे पहले उसकी नोटिफिकेशन आपको मिले। तो दोस्तों, चलो हम बात करते हैं रेवलॉल एक्सएल 25 mg टैबलेट के। इपका लेबोरेटरीज प्राइवेट लिमिटेड की बनाई हुई है और ये बहुत ही फेमस और बहुत ही अच्छी टैबलेट है। दोस्तों, अगर हम इसके प्राइस की बात करें तो आप देख सकते हो इसका प्राइस 44 यानी कि 44 रुपये की आपको 10 टैबलेट मिलती हैं। दोस्तों, इसके अंदर मैन्युअली जो कंटेंट दिया गया है वो आप देख सकते हो, इसके अंदर मेटाप्रोलोल 25 mg में दिया गया है। दोस्तों, अगर हम इसके डोज की बात करें तो ये आपकी हेल्थ कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है, इसकी डोज क्या होती है या फिर आपके डॉक्टर आपकी कंडीशन के हिसाब से, आपकी बीमारी के हिसाब से इसको मेंटेन करते हैं, इसको किस तरह से देना है। दोस्तों, इसका यूज़ किस लिए किया जाता है ये जान लेते हैं। दोस्तों, इसका यूज़ किया जाता है हाइपर टेंशन, हाई बीपी, एंजिना, चेस्ट पेन, माइग्रेन, हेड एक, हार्ट फेल, लीवर या हार्ट अटैक को भी कम करता है। दोस्तों, ये बीपी को कम करता है, कार्डिक अरेथमिया में मैन्युअली काम करता है, बीपी को रिलैक्स करके ब्लड प्रेशर को डिक्रीज भी करता है। दोस्तों, इसका यूज़ कुछ लोग ना करें जिनको एलर्जी है, किडनी की प्रॉब्लम है, प्रेग्नेंट महिलाएं, ये अगर इसका यूज़ करती हैं तो इसका यूज़ अपने डॉक्टर की सलाह के साथ ही करें, यानी कि बिना डॉक्टर के एडवाइस के इसका यूज़ ना करें। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं हर टैबलेट का कोई ना कोई साइड इफेक्ट होता है, हालांकि इसके कुछ ज़्यादा साइड इफेक्ट देखने को नहीं मिले, लेकिन फिर भी आपको कुछ इसके साइड इफेक्ट देखने को मिल सकते हैं, जैसे कि वॉमिटिंग होना, घबराहट होना, चक्कर होना, लूज मोशन का होना या ज़्यादा एसिडिटी का बनना। अगर आपको इस तरह की कोई भी प्रॉब्लम होती है तो मैं कहना चाहूँगा अपने डॉक्टर की एडवाइस ज़रूर लें। और दोस्तों, इसका यूज़ किसी और मेडिसिन के साथ ना करें या फिर एल्कोहल वाले तो बिल्कुल भी ना करें, या फिर अगर आपको इस टैबलेट को लेने के बाद चक्कर होती है, घबराहट होते हैं, अगर ऐसा कुछ होता है तो आप ड्राइव वगैरह बिल्कुल भी ना करें, उससे आपकी जान को खतरा हो सकता है। तो दोस्तों, इस टैबलेट को बच्चों की पहुँच से दूर रखें। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको मेरा वीडियो है मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। यार, आपको इस टैबलेट से रिलेटेड और भी कोई जानकारी लेनी है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।